वो आपको? क्रोकोडाइल। हाँ जरा मुझे भी दिखाओ सभी बच्चे, और ज्यादा अंदर तक नहीं जाना, ठीक है? कहाँ दिखाया मुझे, यहाँ खड़ो के बताओ वहाँ पे। कहाँ दिखाया आपको? ऐसे ऐसे कैसे चल? दोस्तों हेलो, आज फिर एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ आपको हैदरपुर वेटलैंड। और ये देखिए नज़ारा, ये अभी दिन का नज़ारा है। और मेरे साथ में आज आए हुए हैं खुशनसीब साहब। ये गंगा का पूरा नज़ारा आप देखिए दूर तक, और यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट आपको शायद आ रही होगी कैमरे के अंदर, आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होगा कैमरा। और आज मेरे दोस्त की फैमिली आई हुई है मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं सभी के सभी। बच्चों मज़ा आ रहा है ना आपको? जोर से बोलो, ये ऐसा आ रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना दूर तक नदी। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और एंजॉय करेंगे आज एक बार। लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो अभी हम लोग निकले हुए जाते हैं साइड से, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को यहाँ घुमा दिया जाए। और बच्चे मज़े कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा है। अभी हम लोग एंट्री गेट पे ही हैं, बस अभी हम लोग निकलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अभी दिन का क्या नज़ारा है। उस वक्त मैं आया था यहाँ पर, शाम का वक्त हो रखा था तब लास्ट टाइम आया था, तो अभी दिन का भी नज़ारा देख लेते हैं। धूप थोड़ी तेज़ है, लेकिन ये सही है कि सर्दी हो गई है तो मौसम में धूप इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं दे रही है, लेकिन हाँ थोड़ा लग रही है आँखों को थोड़ा, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ना, तो आँखों को ऐसे चुभ रही है धूप गिर के नीचे। तो अंदर जाते हैं अभी हम लोग, ये है हैदरपुर वेटलैंड। और तो दोस्तों अभी मैं आपसे बताए रहा था, उधर खड़ा हो करके इधर पे खड़ा हुआ था मैं मेन गेट की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने तरह के पक्षी होते हैं। इधर देखिए आप, ये इतने तरह के इसमें पक्षी हैं, ये देखिए कितने तरह के पक्षी हैं इसके अंदर। और बहुत से पक्षी तो ऐसे आते हैं ना जो अलग देश से उड़ करके आते हैं यहाँ पे, प्रवास करके आ जाते हैं, साइबेरिया, रूस, रसिया, दिगर अलग अलग मुल्कों से आते हैं यहाँ पे। बच्चों मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत, चलो तो आगे आगे चलिए, आप इंजॉय करते चलिए, ठीक है? ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं लग रही ना, ठीक है? और ध्यान से देखना ना, कहीं पे स्नैक ना हो, सांप हाँ, और ये क्रोकोडाइल। इधर अगर आप नदी की तरफ जाओगे तो, मैं बच्चों को समझाता जा रहा हूँ भाई, आगे से ना कुछ इस तरह की चीज़ें ना आ जाए। देखो इधर ना बटरफ्लाई है, दिख रही है आपको? हाँ, यहाँ पे आके एक फोटो लेंगे सभी फिर थोड़ी देर में, ठीक है? देखो ये बर्ड्स इस तरह, वो आपको? क्रोकोडाइल। हाँ जरा मुझे भी दिखाओ सभी बच्चे, और ज्यादा अंदर तक नहीं जाना, ठीक है? कहाँ दिखाया मुझे, यहाँ खड़ो के बताओ वहाँ पे। कहाँ दिखाया आपको? ऐसे ऐसे कैसे तैर रहा था वो, स्विम कर रहा था ना? आपको भी नजर आया बाबू? हाँ थोड़ा दूर ही रहना, ठीक है? यहाँ पर रहते हैं क्रोकोडाइल्स, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो। अरे हाँ, अरे वो रहा बाबू, सही कह। कैमरे में कैद ना कर पाऊँ मैं उसको, लेकिन बहुत बड़ा क्रोकोडाइल नजर आ रहा है। वो जंप कर रहा है उधर, वो जंप कर रहा है ना बच्चों? थोड़ा ध्यान से रहना है ना। हाँ ये, अरे बाबा कितना बड़ा क्रोकोडाइल है भाई, ये तो बहुत बड़ा है। तो अभी बच्चे आ गए हैं धूप से निकल के छाए की तरफ, और ये पूरी हट के नीचे हम लोग आ गए हैं, और इधर से मज़े कर रहे हैं। इधर से बिल्कुल जो एक अच्छा सा व्यू आ रहा है ना, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। ये बच्चे अपने आप में कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसी को फिश नज़र आ रही है, तो किसी को टर्टल नज़र आ रहा है, किसी को क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है। लेट्स सी हमें क्या नज़र आता है। बाकी जितना घना जंगल है ना, जिस तरह की झाड़ियाँ हैं, तो बड़े ध्यान से हमें देखना होगा, क्योंकि इस वक्त में ना कुछ सांप वगैरह भी रहते हैं, और पानी के बड़े बड़े अजगर आते हैं इधर, तो जो क्योंकि जंगल है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं दौड़ दौड़ के, वो देखो ये वो तितली बैठती है फूलों के ऊपर, और ये बच्चे दौड़ लगा देते हैं। दोस्तों बच्चों को ना डॉल्फिन के अब पिक नज़र आगे लगी हुई, वो आगे बना रखी है पेंटिंग, और बच्चे दौड़े दौड़े चले गए। क्या नज़र आया बच्चों आपको यहाँ पे? डॉल्फिन नज़र आई है? तो डॉल्फिन पहले ऊपर जा करके देखोगे, नीचे से देखोगे, इधर से आ जाओ, पहले नीचे से देखते हैं इधर चल के। ध्यान से जाना बाबू, गिर मत जाना कोई भी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता जाना। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे जो ये बनाया हुआ ना, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपको दिखाएंगे ये पूरी गंगा का नज़ारा। ये सीढ़ियाँ हैं, अभी हम दूसरी वाली मंजिल पर आ गए और हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। दोस्तों अभी इससे भी ऊपर जाना है उधर, वो देखो बच्चे पहुंच गए हमसे पहले।
दोस्तों बहुत प्यास लगी है बहुत तेज़, वहाँ पे पानी नहीं मिला हमें ठंडा स्पेशली, और वहाँ से थकने के बाद बहुत घूमे बच्चे, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और अभी हम आए हैं नज़दीक में हमारा एक रेस्टोरेंट पड़ता है मोंटी मिलियंस रेस्टोरेंट, तो बस अभी हम लोग चलते हैं फटाफट और सबसे पहले ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाए पियेंगे और फिर मज़े करेंगे आगे। ये देखिए आप ज़रा, अच्छा सभी को प्यास लग रही है ना, आपको भी लग रही है, आपको ज़्यादा लगी होगी, हाँ आप थक गए थे। चलो तो फटाफट चलते हैं अंदर हैं, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है दोस्तों, बहुत हम लोग काफ़ी कई बार आते रहते हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे। सबसे पहले तो बच्चे भी जा रहे हैं सभी अंदर। तो एक बार बताओ आप लोगों को क्या खाना है, भूख लगी है, आपको भी लगी है, भूख लगी है, प्यास भी लगी है आपको भी, क्या खाओगे बताओ, आपस में डिस्कस कर लो आप दोनों दोनों, ठीक है, और सोच के बताना क्या खाना है फटाफट, फिर हम लोग कुछ खाएंगे पहले। अच्छा लग रहा है ना बैठ के, हवा लग रही है अभी, ठीक है थोड़ा सस्ता लो। दोस्तों भी बच्चे मेन्यू ले रहे हैं और मेन्यू में देख रहे हैं इनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाएंगे। अभी पहले मेन्यू इन दोनों बच्चों की तरफ था, अब उन दोनों बच्चों ने ले लिया है वो, अभी वो डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे, बाद में मशवरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे लोगों को क्या पसंद आता है बच्चों को क्या।